हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेम्स HD और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज भैया वो दिन आ चुका है, यस फाइनली हम सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन हम कहीं इंटरनेशनल सेलेक्ट नहीं हुए, हम हुए काउंटी क्लब के लिए सेलेक्ट, जो काउंटी के जो क्लब्स रहते हैं उनके लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यॉर्कशायर ने हमको हायर किया और यॉर्कशायर से हम खेलने वाले हैं। जहाँ तक मुझे पता है यॉर्कशायर का जो कप्तान है वो जो रूट है, लेकिन ये पता नहीं यहाँ पे कौन है। तो भाई फटाफट इस वीडियो को लाइक दबा के मार दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किए हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेकंड चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, गो एंड चेक इट आउट। वहाँ पे करते हैं स्टोरी गेम प्ले, और फिलहाल वहाँ चल रहा है माफिया डेफिनेट एडिशन। और मैं सोच रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर PS4 का जो आया था, गॉड ऑफ वॉर जो नया वाला था, उसको हम क्या वहाँ पे खेलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे खेलूँ, उसको स्टोरी करूँ पे रिवील, और बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में गेम प्ले आप लोगों के लिए लेके आऊँ और ट्राई करूँ उसको 2K या 4K पे अपलोड करने की ट्राई कर सकता हूँ, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि यस वी हैव टू डू गॉड ऑफ वॉर ऑन सेकंड चैनल। तो सेकंड चैनल ज्यादा सब्सक्राइब करोगे नहीं किया है। तो फिलहाल तो ये कप्तान मुझे जो रूट दिख नहीं रहा भाई, कोई और ही दिख रहा है बंदा अपना, कौन है ये पता नहीं। ये तो मेरे को प्रिंस ऑफ पर्सिया वाली फीलिंग दिखा रहा है भाई, मुझे पता नहीं है कौन है। तो अगर तक अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर पे ज्वाइन नहीं किया है या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है यार, अगर तुम लोगों ने फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो, जल्दी जाओ। तो सर ये नहीं वन कर लिया टॉस, अब थोड़ी कीटे वीटे प्रोफेशनल हो चुकी हैं क्योंकि इंग्लैंड का। ओ भाई क्या बात है, बर्न्स प्लंकेट, ओके सनिल टीम में काफ़ी अच्छी प्लेयर है भाई, क्या बात है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, इसके पहले जो हम खेल रहे थे वहाँ पे कोई किट वगैरह नहीं थे, कोई रियल फेस नहीं थे, लेकिन अब जो गेम प्ले होने वाला है और अब जो काउंटी क्रिकेट यहाँ पे होने वाला है वो फुली लाइसेंस्ड है। यस यहाँ पे पूरी लाइसेंस टीम है और जितने भी प्लेयर रहेंगे, लोगर्स रहेंगे, बैट रहेंगे, ग्राउंड रहेंगे, वो एग्जैक्ट सेम रहेंगे जो प्रोफेशनली तरीके पर वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये इंग्लैंड की इसमें पूरी सीरीज़ होती है आपको पता ही, और फिलहाल हम इंग्लैंड में से एक करियर मोड खेल रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मज़ा आने वाला है अब। तो अब देखते हैं यहाँ, अब मैं थोड़ी सी कट सीन जो है ना निकालूंगा। देखो प्लंकेट दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया बॉलर है और बॉल बॉल सब शाइन चमकती है, और ये तुम्हारा भाई फिलहाल 0-0 है, डोंट वरी। लेकिन कुछ मैचों की बात है और यहाँ पे तुम्हारा भाई छा जाएगा। फर्स्ट बॉल बहुत ही बढ़िया शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद है। ये पहली बॉल थी हमारी डेब्यू की। ओ भाई जो शुरुआत की है ना मैंने अपने, मतलब रन बनाने की, जो मैंने पहला रन बनाया अपना काउंटी क्रिकेट में वो 6 रन से किया शुरुआत, बताओ। हालांकि प्रोफेशनल नहीं लगा वो शॉट, लेकिन जैसे भी लगा लेकिन 6 गए भाई, क्या ही बात है, बहुत बढ़िया 6 से शुरुआत की है हमने। नेक्स्ट बॉल बहुत ही बढ़िया शॉट और गैप में भी गया, क्या ये गेंद 4 के लिए जाएगी, लग तो नहीं रहा मिल जाएगी। ओ भाई यहाँ पे फील्डिंग विल्डिंग कतई तेज करते हैं लोग, बहुत बढ़िया सेव, क्या बात है, पर हमने भाग के ले लिया। अब तो यहाँ तुमको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क दिखेगा, ग्राउंड में फ़र्क दिखेगा, मतलब क्राउड में फ़र्क दिखेगा। ये बढ़िया शॉट है, गैप में भी है, आई होप सो ये 4 चले जाएं, बिल्कुल भी रुके ना भाई। ओ भाई फील्डिंग कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त कर रहे हैं भाई, 3 भाग लो, जाने तो रन बनाना है मुझे, मेरा पहला मैच है, डेब्यू है हमारा। गुड रिटर्न देयर बैक फ्रॉम द डीप, ओके सो फाइनली आई एम सेलेक्टेड, आई एम सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी मिल रही है। और फिलहाल तो इस क्राउड के अंदर खेलने का, न्यू किट के साथ खेलने का अलग ही मज़ा है। बढ़िया शॉट, ओह फील्डर मौजूद, कुछ खास फायदा नहीं होगा यहाँ पे। यार जो रूट था वो क्यों नहीं आया मुझे समझ नहीं आया। कट, गैप में तो गया, मुझे लगता है 1 रन भाग लेंगे, दूसरे की सोचा तो था मैंने। और नहीं नहीं भाई, डेब्यू वाले मैच में इतनी जल्दी आउट नहीं होना चाहता, थोड़े तो रन बनाओ, इसका ही तो वेट कर रहे थे भाई साहब हम, ताकि हमारा हाथ खुले और यहाँ की जनता है वो हमको पसंद करे और कहे कि भाई साहब काही लौंडा पकड़ के लाए हो तुम, कतई जहर बैट्समैन है ये, तो ऐसा कुछ चाहते थे हम। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद का वेट कर रहा था मैंने शॉट लगाने के लिए, और यहाँ पे नंबर 7 है मेरा, डोंट वरी। ओहो क्लासिक ओवर ड्राइव, पता नहीं बाउंड्री जाती है नहीं जाती है, लेकिन ड्राइव बहुत बढ़िया था, चले गए भाई साहब बहुत अच्छे, 4 रन और मिले हमको यहाँ पे। तो अब जरा हम खड़े होके ना बार बार क्राउड की तरफ देख रहे हैं कौन हमारे नाम से चिल्ला रहा है। ये बढ़िया शॉट है, एक आध बॉलर तो ऐसा पिक करना ही पड़ेगा भाई, जिसको हमको क्लिक करते रहना, जिसको हमको लगाते ही रहना है, और ये बॉलर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ढीला, तो मैं इसको पकड़ने वाला हूँ और इसको लगाने वाला हूँ शॉट जहाँ भी ड्राएगा। और फिलहाल तो ये लेग स्टंप से थोड़ा सा अंदर डालेंगे, गजब शॉट, बहुत ही बढ़िया बैटिंग फिलहाल अभी तक के लिए, तो बहुत बढ़िया डेब्यू के हिसाब से थोड़ा अच्छा भाई, हाथ भी खुल रहे हैं, बैट में कनेक्ट भी हो रही है गेंदे, हम चाहते हैं कि इनिंग थोड़ी लॉन्ग हो जाए और कुछ अच्छा करें हम। अरे भाई कुछ ज्यादा ही मनुष्यत फैल रही है हमारे बोलने से, हमने बोला ही था कि भाई अच्छी इनिंग हो जाए, थोड़ा सा लंबा खेल लें हम, जैसे ही बोला वैसे ही आउट हो गए यार। बढ़िया शॉट था वो, फील्डर कैसे पहुंच गया समझ में नहीं आया, देखो
बैट का फेस खुला था भाई, क्या बात है। चलो कोई नहीं, टेस्ट मैच शुरू है तो यहाँ पे तो दूसरी इनिंग आनी है। 29 बनाए मैंने, चलो 36 मिनट खड़ा रहा 19 गेंदों में। फिलहाल तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं इसको T20 जैसे ही खेल रहा हूँ, बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ धीरे धीरे खेलने की। तो ये एक दो मैच तो मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। तो सेकंड इनिंग की तरफ आ जाते हैं। ओके, डेब्यू कर रहा भाई मेरा दोस्त, 207 रन से ट्रेल कर रहे हैं हम, बताओ बहुत पीछे हैं। मतलब 200 रन तो वैसे ही बनाने पड़ेंगे तब जाके कहीं इनिंग लीड चढ़ेगी। पहली गेंद और 4 रन यहाँ पे, और टी करण को लगा भाई शॉट, ये सैम करने के भाई टी करण, ये तो भाई अब खोले ना हाथ, लगना चाहिए लोगों को भाई बंदा सेलेक्ट किया ये ऑक्शन ने, तो गलती नहीं किया, बहुत बढ़िया बंदा है। और अब मेरे को क्या होगा ना, अगर अभी यहाँ मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव खेलूंगा, ज़्यादा वैल्यू पुट करूंगा अपनी, तो फटाफट इंटरनेशनल के लिए कॉल आएगा, अदरवाइज इंटरनेशनल के लिए कॉल नहीं आएगा जल्दी। समझ लो ये जोन टाइप में ही है, जो जोन होता है ना हमारे यहाँ इंडिया में, जोन होते हैं नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, वैसे ही यहाँ पे है। लेकिन अभी ये क्या फुल लाइसेंस वर्जन के साथ, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये अकॉर्डिंग टू जो हमने लास्ट खेले थे, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे काफ़ी पसंद थे वो भी। बिल्कुल बाहर की थी गेंद और हमने बिल्कुल हाथ खोल दिए इस बार, और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, बहुत बढ़िया शॉट और 4 रन, बहुत शानदार। नेक्स्ट बॉल कट करने की ट्राई नहीं, हमने पूरा कर दिया भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके गुड शॉट, ऐसे कट की जरूरत है, थोड़ा लगे लोगों को खतरा। ओ गलत शॉट भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लगे लोगों को भाई साहब, प्लेयर आया बंदा और वैसे ही मैं आउट हो गया। और प्लंकेट ने शायद दूसरी बार आउट कर दिया मुझे, नहीं पहले किसी और ने किया था, प्लंकेट ने मिला विकेट है यार, अच्छी गेंद डाला था, मैंने सीधा खेलने की ट्राई की थी लेकिन कहीं और ही चले गई ये। तो ये देखो मैंने सीधा खेलने की ट्राई की थी, मैंने सोचा था कि सीधा खेलूंगा, सीधा मारूंगा आगे की तरफ तो कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया और सीधा भाई साहब लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास चला गया, मैं क्या ही बोलूँ। और सारे लोग देख रहे भाई अच्छा डेब्यू चल रहा था, कहीं ख़राब कर दिया तूने। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। नेक्स्ट मैच भी जो हमारा होने वाला वॉकशायर के साथ, और ये भी टेस्ट मैच होने वाला है, और आई थिंक जो रूट जो वापस आ चुके हैं, तो जो रूट के साथ आई थिंक ओपन तो नहीं कर रहा, ये देखो जो रूट मैंने कहा था ना, जो रूट है इसमें, तो जो रूट की वापसी मैच में आई थिंक इसके पहले इंटरनेशनल मैचेस खेलने गए होंगे इसलिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब वापसी आ चुकी है। तो अब देखते हैं टॉस जीत के, ओ वॉकशायर ने टॉस जीत लिया, वॉकशायर वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बॉल, प्लीज बॉल। बैटिंग कर रहे हो यार पूरन कोड, क्या बात है, ये हमारी टीम है, ये कौन सा पूरन है यार, समझ नहीं आया मुझे कौन सा पूरन है, निकोलस पूरन तो है नहीं ऑफ कोर्स, कोई अलग ही पूरन है पूरन। ओके सो हैवी को यहाँ स्किप कर देंगे, देखते कितने रन बनाए इन लोगों ने। ओ भाई सारे प्लेयर रन कर रहे हैं, ओहो क्या बात है, ओ ओ भाई 344 बनाए उन्होंने फर्स्ट इनिंग में, काफ़ी अच्छे कर लिए यार रन। तो अब देखना हमारी टीम कितने बना पाती है। तो रेवेस के साथ हम आएंगे ओपन करने के लिए, उसका फर्स्ट डाउन पे जो है वो है जो रूट, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई आए नहीं। ये आई थिंक इस डे के ओ भाई आज के डे के मेरे हिसाब से एक दो तीन ही ओवर बचे हैं, तो हमको नाइट वॉच वन भी समझ लो और कुछ भी समझ लो, हमको विकेट ही बचानी और खड़े रहना बस। बहुत बढ़िया, हल्के हाथों से खेला हुआ गैप में शॉट था, एक रन तो मिल ही चुका है, दूसरे के लिए भागने की सोचा था हमने लेकिन भागे ही नहीं भाई, क्या करें। तो ये मुझे लगता है डे यहाँ पे एंड हो जाएगा, अब नेक्स्ट डे में हम आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। जी हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा सेशन फिर से शुरू होने वाला है, तो हम यहाँ से फिर से बैटिंग करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा रनों की ज़रूरत है हमको। बढ़िया शॉट और गैप में ली गई है गेंद और यहाँ मिलेंगे 4 रन, ज़बरदस्त बैटिंग, क्या हाथ खोले भाई साहब, ये कौन सा बॉलर है पता नहीं मुझे इसके बारे में। ओके अगर आपको पता हो कौन सा है तो मुझे बता देना फिर। बढ़िया शॉट, लेकिन कोई गैप पे नहीं है, फील्डर लॉन्ग ऑन का वहीं खड़ा था और भी शॉट लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ था वो। ओके नेक्स्ट बॉल, बढ़िया शॉट, हल्के हाथों से खेला हुआ गैप में शॉट गया, यहाँ पे एक या दो रन मिल सकते हैं हमको अगर आराम से भागे तो, 3 भी मिल सकते हैं, भागने की बात है 4 भी भाग सकते हो भाई, क्या ही बोलूँ मैं तुमको। ओ 3 भाग गया एटलीस्ट, बहुत बढ़िया स्पिनर यहाँ पे, बढ़िया शॉट, गैप में भी गई है गेंद, मुझे लगता है उन्हीं 4 जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अपने पैरों पे भरोसा रखना चाहिए और 2-3 रन भाग लेने चाहिए। ओके थ्रो पे नहीं लेना चाहूँगा रन में, थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता स्टार्टिंग के मैचेस में, थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, एक आध 50-50 हो जाए मेरी। ओके ये कुछ हवाई फायर है और डेयर, ओ भाई
डेविल बन गए थे यहाँ पे, क्या बात है। फील्डर मौजूद था पीछे लेकिन फिर भी डरे नहीं और ओवर पिच बॉल को पिक किया और भाई साहब बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ पे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शॉट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहनी चाहिए ना हमारे मैच में भाई। कट शॉट लाजवाब, वेट किया बॉल के आने का और भरपूर तरीके से लगा दिया यहाँ पे लगे 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट। ओके ऊपर थी गेंद और हमने भी हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खेल दिया। इनको भी पता चलना चाहिए भाई डोमेस्टिक से जो प्लेयर आया है अभी वो कतई जहर प्लेयर है, मतलब जहर मतलब कतई जहर है। लीड्स यूनाइटेड बड़ी खुश थी मेरे साथ और अब यॉर्कशायर को भी होना पड़ेगा। ओ गजब शॉट और एक और सुंदर बाउंड्री भी। सर हम फील्डर को बिल्कुल नहीं देख रहे वहाँ पे है या नहीं है, पर जैसे भी गेंद आई हम उसको जो उसके अकॉर्डिंग खेलने की ट्राई कर रहे हैं। तो वैसे तो मेरे हिसाब से फिलहाल ठीक चल रहा है, चलती भी रहनी चाहिए, बहुत उतनी ऊपर नहीं थी गेंद जितनी चाहिए थी हमको। ये बढ़िया शॉट है भाई साहब, गैप में भी गया, दोनों फील्डर सिर्फ मुंह देखते रहे कितना ही भाग रहे हैं, गेंद को रोक नहीं पाएंगे और यहाँ पे 4 रन और मिलेंगे हमको। मतलब एक वीक बॉलर पकड़ना पड़ता है तो हमने इस वीक बॉलर को पकड़ लिया फिलहाल, इसको अच्छे से चमका रहे हम। नेक्स्ट बॉल फिर इससे, ओ भाई क्या ही रिस्की खेला है, जबरदस्त शॉट, मुझे नहीं लगता है 4 होंगे लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट था, क्या ही भाई साहब रिस्क, जबरदस्त। थोड़ा सा ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच में गेंद थी और हल्के हाथों से उसको फ्लिक किया था, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। फिर से सेम शॉट और इस बार बॉल में गति काफ़ी है और मुझे लगता है कि इस बार इसी फील्डर को जरूरत नहीं पड़ने वाली है बॉल रोकने की, ये सीधी जाने वाली 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट ये देखो, बहुत लाजवाब शॉट। नेक्स्ट बॉल, ओहो कुछ ज़्यादा रिस्की खेल रहा भाई मेरा प्लेयर, दो ओ भाई भाग ले, क्या बात है, कूद रहे भाई एक दोनों से ऊपर, दूसरे रन के लिए भागने के लिए क्या रन आउट ना हो जाए, शुक्र है। बहुत अच्छे। ओके नेक्स्ट बॉल, ओहो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसी के साथ 50 पूरे हमारे, फर्स्ट 50, पहले 50 में भाई, अब हमारा स्कोर कार्ड बनेगा, अब बनेगा डोमेस्टिक वाला और इंटरनेशनल वाला जो भी बनना है अब वो बनेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपके T20 और टेस्ट के क्यों इंक्लूड है, अब वैसा नहीं होगा, अब अलग अलग हो जाएंगे भाई। ओहो बहुत शानदार बैटिंग, लाजवाब बैटिंग, चलने तो भाई जैसे रन आते हैं आने दो, हमको तो चाहिए रन और एक आध बड़ी इनिंग चाहिए ताकि हमारा बिल्डअप हो सके टीम में और लाइबिलिटी जो बढ़ती रहे। ये भी बढ़िया शॉट है, गैप में है भाई, उल्टा भाग के रन लेना चाहिए तो रन ही नहीं लिया, बताओ भाई रन लेने में क्या दिक्कत थी, रन ले सकते थे ना यार। ओके नेक्स्ट बॉल, बढ़िया कट, ओ नाइस कैच, ग्रेट रिएक्शन भाई, क्या कैच पकड़ लिया, ओ भाई रिप्ले देखना है मुझे, कुछ ज्यादा ही अच्छा कैच पकड़ लिया। ओ भाई ये तो सर वेट ही कर रहा था क्या मेरा वहां बैठ के। 57 स्कोर किया हमने फिलहाल, 57 हाईएस्ट हुआ है हमारा, 78 मिनट खड़े रहे, 54 गेंदों 58। चलो कोई बात नहीं, सेकंड इनिंग की तरफ आते हैं, यहाँ देखते हैं हमारी टीम कितने रन करती है और वो लोग कितने रन करते हैं और कितने का टारगेट हमको मिलता है, वो हमको चेज करना है फिर। ओके वापस आ चुके हैं, 57 हाईएस्ट, 150 121। ओके ओ भाई 535 का टारगेट है, 535 मारो भाई और कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 हो जाने चाहिए, शाम का समय भाई, बॉल नाराज नहीं हो सकती, अब जा सकती है। बहुत बढ़िया शॉट और 4 रन और मिले यहाँ पे भाई, मैं लगाने की ट्राई करूँगा, अब और कुछ ऑप्शन नहीं है बस, बढ़िया बहुत बढ़िया। चलेगा चलेगा भाई, सिर्फ मारो और कुछ नहीं। ओह एलिस्टर कुक की याद दिला दी मुझे शॉट में, पर वो बहुत तगड़े कवर ड्राइव मारता भाई एलिस्टर कुक। नेक्स्ट बॉल, बढ़िया शॉट इस बार, हवाई फायर, और ये उस्मान ख्वाजा वाला शॉट था, मतलब उस्मान ख्वाजा ज़्यादा खेलता है इस शॉट को, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो जरूर चेक करना, उस्मान ख्वाजा खेलता ज़्यादा इस शॉट को। ओके नेक्स्ट बॉल, ओहो हो लवली कवर ड्राइव और 4 रन और मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही शानदार बैटिंग, बहुत बढ़िया भाई, 535 चेज करने हैं तो और क्या ही करोगे तुम खड़े होके वहाँ पे। बढ़िया शॉट फिर से गैप में गई, इस बार तो फील्डर को पता ही नहीं चला कि बॉल उसके पैरों को नीचे चलेगी, तुम्हें एक्चुअली रिप्ले में देखना है यहाँ पे,
देखो 535 का टारगेट है, खड़े रह के भी क्या करने वाले हैं। और मैं कैसा हूँ, मुझे मैच टेस्ट मैचेस में रिजल्ट चाहिए रहते हैं, मुझे ड्रॉ नहीं चाहिए। किस्मत भाई किस्मत, जानी कहीं और चाहिए थी लेकिन चली कहीं और गई, वैसे कहीं और भी जा सकती थी। फिर से हवाई फायर, अरे नहीं यार, मॉन यार अच्छा चल रहा था यार। तो वैसे तो ये मैच मतलब हमारे पास डेज भी कम ही थे, वन डे ही बचा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रन थे, लेकिन हमने फिर ट्राई किया। तो ये हमारा डेब्यू हुआ अभी तक काउंटी क्रिकेट में, तो अभी तक का जितने भी इनिंग गए, चार इनिंग शायद हमने खेले, मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं लगे, लेकिन ठीक ठीक लगे। लेकिन आने वाले टाइम में अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, और स्किल पॉइंट मुझे एक और मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, ड्राइव को फुल कर दूंगा अब, क्योंकि भैया ड्राइव को फुल करके रखूँगा तो मज़ा आने वाला है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक मार देना, और सेकंड चैनल को जाके चेकआउट जरूर करना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लो मुझे, मैं बातें भी कर लेता हूँ भाई वहाँ पे। बाय बाय।